तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, क्या आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे? तो फिलहाल पीछे देख सको एक गड़ा इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर शूटिंग हुआ है भाई जेठालाल की। आप देखो भाई, जेठालाल की दुकान ने यहाँ पर शो खरीदा हुआ है। और कोई ब्लॉगर वीडियो देख रहा हो या फिर भाई कोई नज़दीक आना चाहो तो यहाँ खार डांडा लोकेशन है, किसी तक पूछो खार डांडा लोकेशन, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में जाना है। तो भाई भीतर चलेंगे भाई, देखा जेठालाल मिलेगा नहीं मिलेगा, और अंदर है ओनर यानी जिसकी दुकान है, तो बातचीत करांगे। तो भाई ये है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक जड़ा भाई जेठालाल की शूटिंग ओवर। ये देखो भाई यहाँ की लोकेशन, अगर आप आओ तो ये देखा अंदर को जेठालाल मिलेगा कि नहीं, ओनर है यहाँ पे, तो ओनर से बातचीत करांगे आप। तो चलो फिर अंदर चलते हैं। अंदर जाते हुए भाई गेट खोल देते हैं। ये देखो भाई सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, वहाँ पे ओनर बैठे हुए बातचीत करेंगे उनसे। ये देखो भाई फ्रिज हो गया, जैसे ये टीवी हो गया, ये सभी ओरिजिनल चीजें हैं। ये देखो भाई, और ये है भाई गड़ा इलेक्ट्रॉनिक बेस्ट डील और बेस्ट ब्रांड। और इस सीट पे भाई जेठालाल बैठा करें, आप देखो भी सारी आने यहाँ पर जो चीज़ लेना हो है भाई उससे बातचीत करें जेठालाल। और ये वो काउंटर है जिसको यूज़ करते हैं भाई जेठालाल, और उस जगह पे काका जी देखे होंगे आपने खड़े उस जगह पे। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक है, देख सको भाई सारी ओरिजिनल चीज़ें हैं, लेकिन सोचो फेक होना है। ये भाई इस दुकान की पूरी कहानी जानेंगे, ओनर जी बैठे हैं पीछे, हम जब बातचीत करेंगे भाई पूरी स्टोरी क्या है। ब्लॉगर देखा है या नॉर्मल देखा है तो आना चाहो, बता देंगे सर किस टाइम मिलना चाहिए, किस दिन शूटिंग हो किस दिन नहीं, तो सारी बातचीत करेंगे। तो सर पहले तो राम राम कर दो। राम राम। राम राम, कैसे हो? बस मस्त मस्त। अपनी एक बार नाम बता दो और कहाँ से आप? मेरा नाम शेखर है, और ये जो शॉप है उसका एक्चुअल नाम कंज्यूमर शॉप ही है। ओके। आपके शो में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है। ओके। तारक मेहता में ये लोकेशन ऐसा है कि खार में है, खार वेस्ट में आप अगर आते हो मुंबई में जी, तो वहाँ से आप अगर खार में उतरते हो तो खार में स्टेशन पे आपको ऑटो मिल जाएगी या कोई भी बस मिलता है, तो आप खाली डांडा बोल दीजिएगा या गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बोल दीजिए, आपको यहाँ तक लाके छोड़ देंगे। चीज़ है अपनी इलेक्ट्रॉनिक, एक भी चीज़ नुकसान हो जाए, क्रूज चलाएगी जाए तो टूट जाए, बहुत बड़ा नुकसान हो। कभी होया ऐसा भी क्रूज चलाएगी या टूट जाए? नहीं 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 नहीं, देखो यही तो बात है ना, जब पहली बार आए थे तो हम भी उनको मना कर दिए थे कि भाई इधर शूटिंग नहीं करना है, क्योंकि भीड़ रहता है, उनके खुद के स्टाफ रहते हैं, कुछ डेंट हो गया कुछ नुकसान हो गया, मुझे तो सेल करना है तो मैं नहीं बेच पाऊंगा। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसे कुछ होगा नहीं, और ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है, इन 12-13 साल में एक भी चीज़ कभी कुछ खराब नहीं हुई, ना चोरी हुई बिल्कुल। तो इसकी वजह से है ना, हम भी बिंदास बोलते हैं ना, एकदम बेधड़क बिल्कुल आते हैं, अपना काम करके निकल जाते हैं। हमको 200% श्योरिटी है कि हमारे कोई चीज़ को कुछ जख्म नहीं हुआ है।